अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ पालक गोश्त बनाना। ना तो हमें पालक गोश्त में हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने मेरे पास 700 ग्राम हमारे पास गोश्त है और 600 ग्राम मेरे पास ये पालक है और हमारे पास दो बड़ी साइज़ की, इसमें मैंने प्याज ले लिए, कटिंग कर ली उन्हें, उनको दो बड़े साइज़ की हैं। और ऑयल चाहिए हमें, योगर्ट है 1 कप भर के आप एक योगर्ट ले लें। इसमें जिंजर है मेरे पास, अदरक का 1 टेबल स्पून है और ये गार्लिक है। गार्लिक के इसमें आपने 10-12 पीसेस ले लिए, मैंने कलियाँ ले ली हैं उसकी। और ये हरी मिर्चें हैं 3 मेरे पास। टमाटर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आपने टमाटर डालें क्योंकि पालक गोश्त में लोग नहीं डालते हैं, वो दही से ही इसको भून लेते हैं। लेकिन मैं ग्रेवी के लिए, मसाले के लिए 2 टमाटर इसमें बड़े साइज़ के मैंने काट लिए हैं। और हमारे पास स्पाइसेस में ये चीज़ें हैं, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, सॉल्ट है 1 टेबल स्पून, क्यूमन सीड जीरा जो है हमारे पास ये भी 1 टेबल स्पून है, मिर्चे हैं मेरे पास 1 टीस्पून, और इसमें हल्दी है मेरे पास 1/2 टीस्पून, गरम मसाला है मेरा होममेड गरम मसाला, वीडियो चेक करिएगा, ये भी 1 टीस्पून है। और इसमें मेथी है, कसूरी मेथी खुश ड्राई वाली जो है, ये है हमारे पास 1 टेबल स्पून हमने भर के लिए ये वाली। अगर आप इसको अगर अलग रख के इसको धो के डालना चाहें तो धो के भी डाल लें, वरना अगर ऐसे डालनी है तो ऐसे डाल लें। तो बनाना शुरू करते हैं, कवर करते हैं। ये हमने ऑयल ले लिया, मैं 3 सर्विंग स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, कुकर में पका रही हूँ। कुकर में आपका गोश्त 10 से 15 मिनट के अंदर गल जाएगा। पतीली में अगर आप बनाएंगे इसको तो मेरे ख्याल से आधा घंटा तो लगेगा ही, 30 मिनट तो उसमें लगेंगे, लेकिन इसमें 15 मिनट में कुक हो जाएगा गोश्त। प्याज को हमने ज़रा सा लाइट पिंक कलर करना है। गार्लिक में इसमें साबुत डालूंगी, अगर आपने मतलब अगर आप पेस्ट डाल रहे हैं तो 1 टेबल स्पून पेस्ट डाल दें भर के, लेकिन मैं इस तरह से साबुत डाल रही हूँ क्योंकि कुकर है, कुकर में तो वैसे ही गल जाएगा। अब इसको ज़रा सा हम ब्राउन से कलर का होने देते हैं। देखेंगे इस तरह पिंक कलर की हो गई है, डार्क ब्राउन नहीं करना इसको, बस पिंक कलर का शेड देना है, ये हो गया है। अब इसके अंदर मैं अपना गार्लिक डाल रही हूँ, गार्लिक में जिंजर डालिए, सॉरी जिंजर पेस्ट डाल दी 1 टेबल स्पून, गार्लिक हम पहले डाल चुके थे। मेरे पास गोश्त है जो 700 ग्राम वो मैंने इसमें डाल दिया। इसको ज़रा सा फ्राई करेंगे 2 मिनट ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, हमने 5 मिनट इसको फ्राई किया है, 4 से 5 मिनट। अब इसके बाद मैं अपने सारे स्पाइसेस इसमें डाल रही हूँ। दो मिनट हमने सारे स्पाइसेस को करते हैं इसके अंदर सौते फ्राई करते हैं ताकि इसकी खुशबू आ जाए अच्छी तरह। इसमें अपने टमाटर डालेंगे, और ये योगर्ट, दोनों चीज़ें इसमें मिला दी। कुछ लोग साथ ही मिला देते हैं, कुछ भूनने के जब आप मतलब आपका गोश्त गल जाएगा उस टाइम भी भूनते हैं दही से, तो मैंने साथ मिलाया। अब इसके अंदर पानी डालते हैं, पानी आपने इसमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि कुकर में जल्दी हो जाएगा, अभी टमाटर और प्याज भी अपना पानी छोड़ेंगे ना, तो इसलिए हम पानी कम डालेंगे।
10 मिनट के बाद आप इसमें आफ्टर 10 मिनट आप उसको बाद देखें कि गोश्त आपका डन हो गया है। मतलब हमें इसमें 80% कुक करना है गोश्त को ना। इसके बाद बाकी चीज़ें डालते हैं। अब मैं इसको कवर करके 10-15 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ जब ये गल जाएगा 80% तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हो गया। जी देखें हमारा जो गोश्त है ये कुक हो गया है। 80-90% जो है ना हमने कुक कर लिया है इसको। अब ये कि इसका पानी ज़रा सा और खुश्क हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम इसमें अपना पालक जो है हमारे स्पिनेज वो डालते हैं। जी ये देखें हमारा ना ऑयल अब ऊपर आ गया है, पानी इसका खुश्क हो गया, भून लिया है मैंने इसको अच्छी तरह, गल भी गया है हमारा गोश्त। अब हम इसके अंदर जब ऑयल ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये रेडी है, भून गया है। अब आप ऐसा करें कि अपना पालक जो है वो इसके अंदर इसमें डाल दें आप। और पालक को सिर्फ कवर करके 5 मिनट्स तक के लिए आप इसको कुक करें। 5 मिनट बाद आपने इसके अंदर जितनी भी ग्रेवी डालनी है वो ग्रेवी डालें। मेरे पास हरी मिर्च एक है, मैंने तोड़ के इसमें डाल दी है हरी मिर्च भी। अब आप ऐसा करेंगे इसके अंदर जितनी आपको, मैंने इसको कवर कर देती हूँ, कवर करने के बाद रख देती हूँ 5 मिनट तक ना, तो क्योंकि पालक को ज़्यादा पकाते नहीं है तो मैंने इसमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में ये सब जब बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। लेकिन अगर आप इसका कलर अच्छा रखना चाहते हैं तो आप इसे कवर ना कीजिएगा, मगर मुझे, मैं कवर कर रही हूँ ताकि इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये ना पालक सारा दब गया है, ऑयल भी ऊपर आने लगा है। मैंने इसमें जितनी ग्रेवी आपने रखनी है, भुना हुआ अगर रखना है, बगैर आपने पानी डालना है, तो ये रेडी है। इसके अंदर आप इसके ऊपर अगर ऑयल आ जाए, जब ऑयल आ जाएगा तो आपका रेडी है। इसके ऊपर गरम मसाला डालें या क्योंकि गरम मसाला तो हम बीच में ऐड कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग बाद में भी डालते हैं। बेशक आप ऊपर जब ये कम्प्लीट हो जाए तो उस पर गरम मसाला डाल लें। और अगर आपने इसको इसको ज़रा सा शोरबे वाला रखना है तो ज़रा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी। अब जैसे ही इसके ऊपर ऑयल आ जाता है मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है सैलड के साथ, सलाद पत्ता है इसके साथ, प्याज है, मैंने रिंग्स उसके काटे हुए हैं, ऑनियन रिंग्स हैं, हरी मिर्च है, इसके साथ मैंने गार्निश कर लिया, लेमन है हमारे पास। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। इस आपकी मर्ज़ी है, वैसे ही भुना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें कैसी ग्रेवी रखना चाहते हैं। और मुझे दुआ में याद रखें और ज़रूर अपनी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।